कौन से गांव से आए हो? तो शाम से। कौन सी बार आए मेरे पास? तीसरी बार। क्या दिक्कत थी आपके? शराब पिया करते? कितनी पिया करते? फिर भी दिन में भी रात में भी फुल रहा करता, यानी कि एक डेढ़ बोतल पी लिया करता, दो दो बोतल भी। और मेरे के आने के बाद कोई दवाई दी थाने? कोई प्रसाद बताया? कोई नारियल, धूप, अगरबत्ती, चुरस्ता? कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करी, महिमा करी परमेश्वर की। और परमेश्वर की महिमा करने से ही आपने शराब छोड़ दी। अब आपके मन में नहीं आती शराब की बिल्कुल भी? आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आने से छोड़ दी? यहाँ कुछ है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर काम करता है, आपको विश्वास है? आज के बाद आपको ये मन में नहीं आएगी दारू की कभी भी। आपको नई जिंदगी किसने दी है? नहीं, मैंने नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने दी है। जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो सबको नई जिंदगी देता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। एक बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे पास आओ, एक राई के समान विश्वास करो और फिर वो आपके लिए पहाड़ भी डा देगा। परमेश्वर बहुत बड़ा सामर्थी है। आपको परमेश्वर ने नई जिंदगी दे दी। मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखे, आज़ाद रखे और नशे की आत्मा से दूर रखे। तीन बारी बोलो आमीन, 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 आमीन। सारे ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से। ये है जिंदा परमेश्वर।